कोलेस्ट्रॉल। आज हम बात करेंगे आपके साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल, किसने आपको डराया है कोलेस्ट्रॉल से, क्यों घबराते हैं आप कोलेस्ट्रॉल से, ये क्या है, क्या ये कोई स्टीरॉइड है क्या, और आवाज हमने चेक कर ली है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हम सेंटर स्टेज में कैसे आएंगे। सेंटर स्टेज में हम आ गए हैं, थोड़ा सा और फॉरवर्ड आ जाते हैं ताकि आपके रूबरू हम आ जाए। सो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, क्यों है ये कोलेस्ट्रॉल, क्यों खाना जरूरी है इसे, क्या हो जाएगा अगर हम नहीं खाएंगे, और ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही है आज का सवाल और ये है आज का सेमिनार। और आज हम बात करेंगे कतई सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे, तो सवाल सारे पूछिए कोलेस्ट्रॉल पे। बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, वेरी लो डेंसिटी, हाँ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो क्या है ये, क्या है ये कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल को लिपिड भी कहते हैं कई लोग, लिपिड अपने अप में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल आपको जरूरी है भाई साहब, खाना पड़ेगा, उसको खाए बगैर काम नहीं होगा, खाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। आपकी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जितने भी मेजर हार्मोन्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है। कई ऐसे इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर एंजाइम्स या मान लीजिए पदार्थ हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, इसलिए आपका शरीर जो है कोलेस्ट्रॉल बना भी सकता है और बाहर से आता भी है, बाहर से आना जरूरी होता है। आपके शरीर को करीब करीब 200 के आसपास मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है पर डे। और हम बात करें कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खराब है क्या, क्या वो बढ़ जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ ही जाएगा, क्या आपको स्ट्रोक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन आपके जब कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है तो ज़रूर आपका एक रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाने का मतलब नहीं होता कि उससे आपको हार्ट अटैक हो ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी रहन सहन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके लिए हार्ट अटैक वाला वीडियो जाके देखिए। ये बात आ रही कोलेस्ट्रॉल की, इतना बोल देना काफ़ी है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाने से हार्ट अटैक नहीं होता, और मज़ा आ रहा है तो हार्ट लाइक दबा दीजिएगा, वरना कॉमेडी करने का क्या मतलब, सीरियस होके भी बता सकते हैं आपको, देखिए कोलेस्ट्रॉल आपकी जान ले लेगा जी, आप मर जाओगे, आप जिंदा ही नहीं रहोगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हम क्यों कॉमेडी करते हैं, ताकि आपको मजा आए, हमको मजा आए। तो अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो लाइक दबा दो, नहीं आ रहा है मजा आ रहा है तो लाइक दबा दो, है ना, बताना तो पड़ेगा ना, हमको कैसे पता चलेगा आपको मजा आ रहा है कि नहीं। सो कोलेस्ट्रॉल देखिए बहुत सारे टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। आपके सामने जो आती है वो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है, और आपके सामने जो आते हैं काले काले नंबर आते हैं, और आप हो जाते हो डर, नहीं आप जाते हो डर, और आधे टाइम पे डॉक्टर आपको डरा देते हैं या फिर रिपोर्ट निकालने वाला आपको डरा देता है कि भाई साहब आप तो नहीं जियोगे ज्यादा, क्या क्यों क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, सिगरेट पीते हो, है अच्छा, तो फिर आप डर जाते हो। सो कोलेस्ट्रॉल में एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो सारे कोलेस्ट्रॉल का कंबाइंड कोलेस्ट्रॉल हुआ, राइट, उसमें सारे कोलेस्ट्रॉल आते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं HDL, जो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, राइट, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल, ये जितना ज़्यादा होगा उतना चांसेस कम होंगे आपके कोलेस्ट्रॉल का आपके खून की नसों में स्टिक होने का। स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना, तो वो चिपकेगा कम अगर आपका HDL ज़्यादा होएगा। कितना ज़्यादा होना चाहिए HDL, HDL होना चाहिए आपका 50 से ऊपर या 50 के आसपास। तो अगर आपका 30 है तो डरिए मत, एक्सरसाइज करेंगे तो बढ़ जाएगा, यानी वो बताएंगे लास्ट में कैसे बढ़ेगा, बट 50 तक है, 50 तक चाहिए, बहुत अच्छी होता है। और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखिए
जो हाई डेंसिटी होता है वो नहीं चिपकता है, लो डेंसिटी होता है वो चिपकता है, वेरी लो डेंसिटी होता है वो भी चिपकता है, वो चिपके चिपकू होते हैं और ये चिपकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं फ्री ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, और वो होता है स्ट्रेस से और बहुत सारी चीज़ों से, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, राइट, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना, बहुत ज़्यादा डाइट में आपके ट्रांस फैट्स खाना, बहुत ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा और ये कतई रोज़ खाना या रोज़ खाना या कभी कभी खाना, राइट, जो भी है, या बेसिकली अगर आप ओवरवेट हैं, बॉटम लाइन, अगर आप ओवरवेट हैं, आपने अपना बिड़ा कर किया हुआ है, अगर आप ओवरवेट नहीं हैं तो शायद आप बच गए हैं। उसके अलावा बात आती है समा एक्सरसाइज नहीं करने वाले, पहला नंबर, पहला सबसे बड़ा रिस्क मोटापा, दूसरा रिस्क एक्सरसाइज नहीं करने वाले, उन दो लोगों में कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आपको अगर शुगर है, आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है, आपको अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, आप प्रेग्नेंट हो, आपके अंदर किसी भी प्रकार से फीमेल हार्मोन इंबैलेंस है, आप क्या थायराइड प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों के चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इनमें से कुछ भी हो। उसके अलावा जीन्स भी एक काम करती हैं, जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे फैमिली में आपके जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे फैमिलियल कंबाइंड हाइपर लिपिडीमिया या जो दूसरी हाइपर कोलेस्ट्रोलिन या हाइपर ट्राइग्लिसराइड, ये सब हो सकता है। एक्चुअली इसी से पता चला कि जेनेटिक बीमारियां भी होती है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज़्यादा होता है और ये दूसरे लिपोप्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद उन लोगों में से हर एक को तो हार्ट अटैक से मर जाना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं मरते। तो इसीलिए बात आती है कि वो अकेला गरीब बेचारा हानिकारक चीज़ नहीं ही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप करते हो, लेकिन हाँ वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर है, वो उनके गिरोह में एक छोटा सा बेचारा अदना सा प्यादा है, ठीक। सो और क्या करता है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, आपके मेडिसिंस, कई प्रकार की दवाइयां प्रॉब्लम करती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, डायूरेटिक मेडिसिंस, वाटर पिल्स कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम करती है, बीटा ब्लॉकर्स कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम करती हैं, कई डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखें। और जेनेटिक डिसऑर्डर तो हमने बता ही दिया, स्मोकिंग सबसे बड़ी चीज़, सबसे खतरनाक चीज़ स्मोक, जब आप धुआं अंदर लेते हैं तो धुआं आपके जो थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल होगा वो चिपकेगा, तो आपका स्मोकिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, स्मोकिंग बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक है, तो स्मोकिंग से दूर रहें वरना कोई नहीं बचा सकता आपको, मैं भी नहीं। एनीवेज कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल याद रखिए कि ये खाली पेट होता है, इसमें 12 घंटे की फास्टिंग जरूरत होती है, ये हमने अपने कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में समझाया था, तो 12 घंटे फास्टिंग करके सुबह कोलेस्ट्रॉल करिएगा, 18 घंटे फास्टिंग मत करिएगा, 12 घंटे की फास्टिंग, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, खाली पेट टेस्ट, टेस्ट में कायदे से तो 20 से 35 साल की उम्र के बीच में कभी भी शुरू कर सकते हैं, अगर मोटे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करना चाहिए, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर मतलब साल दो साल में एक बार जरूर, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉब्लम है वो हर साल चेक करें, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो कम से कम 2 साल 5 साल एक बार तो चेक करो, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाह रहे हो, उससे करना चाह रहे हो, तो हर 3 महीने में चेक करो जब तक ठीक नहीं होता, राइट। सो जिसको किडनी प्रॉब्लम है, बाकी सारी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसको दवाई थोड़े दिन के लिए लेनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल कम करने चाहिए, इंपॉर्टेंट, कितना करना चाहिए, राइट, आपको कोलेस्ट्रॉल कितना रखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो होता है मेन बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको आपको 70 से लेके 130 तक रखना है, 100 के नीचे रखिए, जितना कम उतना अच्छा, 70 से 130, 100 के नीचे जितना कम उतना अच्छा। HDL मैंने कहा 50 से ज़्यादा उतना अच्छा, टोटल कोलेस्ट्रॉल चल जाएगा आपका 200 के नीचे हो तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड भी है, 150 से नीचे रहेगा चलेगा, अच्छा रहेगा, अगर ज़्यादा है तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है LDL। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका 500 के ऊपर गया, ट्राइग्लिसराइड 500 के ऊपर, तो फिर इतने ज़्यादा आप खा रहे हो आपका कोलेस्ट्रॉल, या इतने सारे डाइट में आपके तेल घी बटर मक्खन मलाई या जो भी फैट है, कि आपके पैनक्रियाज जो फैट गलाते हैं वो पागल हो चुके हैं और उनमें हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, इसलिए फिर आपको दवा की ज़रूरत है।
जब आपके ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ जाएं और आप नहीं करना कर पा रहे हो डाइट एक्सरसाइज, या कर भी रहे हो तो भी कुछ दिन खाने पड़ेंगे अगर ट्राइग्लिसराइड 500 के ऊपर है। उसके अलावा आपको ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा, ब्लड शुगर मैनेज करना पड़ेगा, किडनी, थायराइड, इन सब का फंक्शन ठीक करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल ठीक करना चाहते हो तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बंद करो सबसे पहली चीज। खाने पीने में फाइबर ज़्यादा खाना है, सब्जियाँ दबा के खानी है, वेजिटेबल्स कच्ची खाओ, पक्की खाओ, सूप बनाओ, कैसे भी खाओ, बस तले बगैर, तले को छोड़ के फ्राइड छोड़ के खा सकते हो, कोई भी सब्जी खा सकते हो, आलू को कम खाना है, बाकी सबको दबा के खाइए। उसके अलावा आपको खाना है होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और लेंटिल्स आप खा सकते हो, होल ग्रेन्स, राइट। उसके अलावा आप फैट टॉपिंग्स को छोड़ दो, यानी कि सलाद खा रहे हो उसके ऊपर ले मेयोनीज, ले दबा के मोमोज के साथ, भैया वही तो बढ़ाते हैं सब कुछ, वो कम खाइए। आप सैंडविच खाते हो सब्वे का तो उसमें भी सॉसेस कम डालिए, राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सैलेड खा रहे हैं उसमें सॉस डाल रहे हैं तो क्या क्या मतलब हुआ बताओ, है कि नहीं, मजाक हुआ वो तो फिर बोलते हैं वजन कम नहीं हो रहा, राइट। सो हाई सैचुरेटेड फूड वाला खाना नहीं खाना है, तली हुई चीजें कभी कभी खा लो, महीने में एक बार, पहले पहले वजन घटाओ, वह चीज मोटे हो तो वजन घटाओ, एक्सरसाइज करो, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, रोटी कम खाओ, राइट, दाल कम खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ। नॉनवेज नहीं खाते हो तो दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, सोयाबीन और क्या, और पीनट्स और चना और टोफू, ये सब ज़्यादा खाओ ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन जाए, कार्ब कम जाए, फैट कम जाए, खुश रहो, नींद अच्छी लो, ये सब चीज़ों से एक्चुअली ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स कम होते हैं, जी हाँ, और रेगुलर चेकअप कराओ, वज़न कम करो। सो ये हुई बात दोस्तों सारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हैं कोलेस्ट्रॉल के तो कृपया लिखिए। फिलहाल हम ऊपर से जरा 10 सवाल ले लेते हैं और 10 सवालों के बाद आपके कोलेस्ट्रॉल के सवालों के जवाब देंगे। सो चिंता की कोई बात नहीं है, ले ही शुरू करते हैं। जसमीत सिंह जी ने हाई कहा, हाय होटल मैनेजमेंट सर, दिन प्रतिदिन मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, कमजोरी से पनावटे, टेस्ट कराओ भैया, रोज रोज मेरे से पूछोगे, मुझे क्या पता तुम क्यों कमजोर हो रहे हो, जब तक मैं तुमको देखूंगा नहीं, साक्षात हमारे सामने प्रकट हो या किसी डॉक्टर को दिखाओ, है कि नहीं। अमीर फरूक, नेजल पॉलिप के लिए कुछ बता दें, नेजल पॉलिप नीड्स ऑपरेशन, नथिंग एल्स, नोथिंग एल्स कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग, सीरियसली, ऑपरेशन। सर जिम स्टार्ट करने से पहले स्किनी फैट था, बट कुछ टाइम से मैंने मसल गेन किया है, बट अभी मेरे स्टमक पे फैट आ गया है, जिम करने के बाद पानी पी लूं उस फैट लॉस तो होगा बट मसल लॉस होगी क्या, ये क्या बात हुई, ये कोई नहीं है। देखो फैट लॉस होगा तो मसल लॉस कम होगी अगर आप प्रोटीन प्रॉपर खाओगे। आपके लिए हमारा पूरा का पूरा चैनल प्रस्तुत है, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें जाके देखिए। अभी दो वीडियोस हमने कार्ब्स और प्रोटीन के बनाए हैं, उसके हिसाब से कार्ब्स और प्रोटीन लेना शुरू करो, फैट को उससे आधा कर दो, प्रोटीन से आधा का फैट ले लो, बढ़िया हो, आधे से कम कर दो, बस हो गया काम खत्म, डाइट आपकी फिक्स, फिर एक्सरसाइज करो, पानी पियो खूब। हाथ में दर्द हो रहा है, इट कैन बी थाउजेंड ऑफ थिंग्स, ऐसे नहीं बता सकते हाथ में दर्द, मस्कुलर पेन नंबर वन रीजन, गर्मी में डिहाइड्रेशन को देखो, लेग पेन, डिहाइड्रेशन, राइट, दैट्स व्हाट इट इज। अगर डिहाइड्रेशन से नहीं, आपको पानी खूब पीते हो, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने से पता चलेगा मसल में क्या पेन है, क्यों पेन है, की हो रही है बॉडी दे, इतना नहीं पता लगता यार, ये साइन है ना, लेग पेन का वीडियो देखो जाके पाजी, एंड जसमीत सिंह जी, लेग पेन का, हाथ के दर्द का, मस्कुलर पेन का, ठीक है। फाइमोसिस क्योर ऑपरेशन, टेल मी अबाउट कोरियन जिनसिंग, आई हैव नो आइडिया अबाउट कोरियन जिनसिंग, ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, सो इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वाइट फ्रेंकली कोई कहेगा इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसको भी पूरा नहीं पता, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक नहीं दो नहीं हज़ारों, मतलब 100 से ज़्यादा, कई बार 1000 से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, उन इन्ग्रीडियंट्स का कितना क्या इफेक्ट है ये रिसर्च नहीं बता पाई अब तक, आगे कितने साल लगेंगे पता नहीं, सो इट इज ऑल इन फेथ, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, आई डोंट रिकमेंड। सर ऑस्टियोआर्थराइटिस को आम भाषा में कैसे, किसी को कैसे समझाएंगे, और ACL टूटने की वजह से सर्जरी की जरूरत है या बिना सर्जरी की, ACL टूटा है तो सर्जरी की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, फटा है थोड़ा सा, फटा है तो चल जाएगा और वो MRI से पता चलेगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को किसी को आम भाषा में समझाएंगे तो हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया है, कार्टिलेज खत्म हो गया है और आपका जो पानी है वो खत्म हो गया है, और इस वजह से हड्डी हड्डी से रगड़ रही है और आपको दर्द हो रहा है, सिंपल सी बात। सत श्री अकाल जी, कुलवंत जी, फहीम जी को हाय, गुड इवनिंग मिल्की जी, और लेकिन लाइक एंड प्लान इज
is again a very sensitive autoimmune skin disorder. ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर है, इसको लाइकन प्लैनिस कहते हैं. इसके लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ऑटोइम्यून वाली डिजीजेस की मेडिसिन लेनी पड़ेगी. इसके लिए आप हमारा सोरियोसिस वाला वीडियो देखिए, उसके आसपास ही उसके ट्रीटमेंट्स घूमते हैं. सो आप जाके वो देखिए और बाकी एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए. सोरियोसिस बाय डॉक्टर एजुकेशन. बेस्ट सप्लीमेंट फॉर B12 इज फूड सप्लीमेंट. दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर B12 इज बेस्ट फूड. बेस्ट सप्लीमेंट इज एनी मल्टीविटामिन जिस है जिसमें B12 है. ठीक है, यू कैन टेक सिंपल बीकासूल, बेकडेक्सामिन, सुपराडीन, A to Z, जिंकोविट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी एक उठाओ, रोज खाओ. ठीक है, और B12 जब तक आपका नॉर्मल नहीं हो जाता. ऑलराइट, देन कैसे आई एम गुड. जिम और योगा, विच इज बेस्ट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्वाइट फ्रेंकली. सी, योगा इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रीदिंग, राइट, एंड इफ यू कैन डू जिम विथ योगा, दैट्स द बेस्ट थिंग. योगा ये नहीं है कि ये योगा है, नहीं ये योगा है भैया, सांस लेना योगा है, इंपॉर्टेंट है सांस लेना. बाकी योगा में कैसे भी आसन होते है कि नहीं. सो सांस लेने में ध्यान देंगे तो योगा है. एक्सरसाइज करते समय अगर सही से सांस लेंगे तो योगा भी होगा, योगा से भी होगा. और उसके बाद रिलैक्स करें, एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स करेंगे, बीच में जब रेस्ट करेंगे तब सांस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वॉन्ट टू डू इट. ठीक है, बट क्वाइट फ्रेंकली टाइम सेविंग थोड़ा सा जिम है. योगा इज वेरी गुड फॉर जनरल स्ट्रेस बॉडी के लिए, तो यू शुड गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर ब्रीदिंग रिलैक्सेशन योगा. यूनिजाइम कैप्सूल विथ जिंक ले सकते हो, उसमें कोई लेना देना नहीं, ले सकते हो. कोलेस्ट्रॉल, ऑल राइट, हियर वी स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑल राइट, 10 questions हो गए हैं. कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल खेलते हैं. ऑल राइट, कोलेस्ट्रॉल, बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस वेट मशीन को आजकल मार्केट में यूज कर रहे हैं, वो कितनी एक्यूरेट और रिलायबल है. फ्रैंकी जी ये चीटिंग है, कोलेस्ट्रॉल लिख दिया और कोई दूसरा सवाल पूछ लिया है. बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडिंग वेट मशीन, कोलेस्ट्रॉल पे सवाल पूछना है, ये मुझे नहीं पता बायो इलेक्ट्रिक वेट मशीन कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है. ये मेडिकल सवाल है, है? ये एजुकेशन है. उन्होंने नया टेक्नोलॉजी निकाली भैया, उनसे पूछो कितनी एक्यूरेट है नहीं है, मुझे क्या पता, चीटिंग. अरे कोई बात, चल मजाक कर रहे. ठीक है, मयंक कृष्णा, बाकी मुझे नहीं पता उस बारे में. डलकोलेक्स फॉर प्रेग्नेंट लेडी यूज विद कॉशन, बिकॉज लूज मोशन रखना इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको लूज मोशन ना हो जाए, इसलिए कम मात्रा में यूज करके देख सकते हैं. नेचुरल डायुरेटिक्स जैसे केला वेला खा सकते हो. आई एम गुड, थैंक यू. चलो भैया कोलेस्ट्रॉल पे सवाल पूछिए. कोलेस्ट्रॉल, चलिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मोटा होने के लिए कोलेस्ट्रॉल के क्या काम है. देखिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में स्टीरॉइड बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, ताही ता तुसी मोटे हो गए, मोटे ताही होंगे तो मसल बनेगी. नहीं तो कोलेस्ट्रॉल के बगैर सिर्फ फैट खाओगे तो फैट बनेगा, तोंद आएगी. तोंद चाहिए तो अलग बात है, फिर कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं है, वरना आवश्यकता है. थैंक यू जी, थैंक यू तारिक अजीज जी, वी हाईली अप्रिशिएट योर टाइम एंड आई हाईली अप्रिशिएट एवरी सिंगल पर्सन हु शेयर्स माय वीडियोस. राइट, ट्राइग्लिसराइड इज हाई, व्हाट टू डू. ट्राइग्लिसराइड अगर आपका 500 से कम है, 400 है, 300 है, 200 है, मेरी रिकमेंडेशन होगी डाइट एंड एक्सरसाइज एंड एवरी 2-3 मंथली एक ट्राइग्लिसराइड रिपीट कराओ. मैंने डाइट एक्सरसाइज अभी आपको समझाई. राइट, एक्सरसाइज के लिए मैं बताता हूँ, अपने बच्चे को जगाओ, अपने शरीर के अंदर जो बच्चा, बच्चे को बोलो ये तो वहां जाना है, वो ऐसे पैदल पैदल चल के नहीं जाएगा जैसे आप जाते हो, दौड़ के जाएगा. अपने शरीर के अंदर के बच्चे को जगाओ कि उसको रहता है कि ये चीज करो उसमें एक्साइटमेंट कहाँ है, वो चीज करूँ उसमें एक्साइटमेंट क्या है. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट एवर यू डू, डू इट फास्ट और डू इट चैलेंजिंगली. राइट, कोई भी चीज ऐसे करो, दौड़ के कर लो. राइट, वहां से वहां जाना है तेज चले जाओ, सीढ़ी दिख रही है दौड़ लो. राइट, अगर दौड़ सकते हो, अपनी जितनी भी आपकी शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाओ, दिन भर में इस तरह से एक्सरसाइज बढ़ा लो. चाहे आपको टाइम मिले ना मिले, एक्सरसाइज जिम के लिए टाइम मिले 1 घंटा बहुत बड़ी बात है, वॉक के लिए टाइम मिले आधा घंटा वॉक कर लो, लेकिन तेज करो. तेजी से मतलब है शरीर तेजी से तेज होता है, स्लो से स्लो होता है. सैर नहीं करनी है, दौड़ना है, दौड़ना है ना, तेज तेज चलिए. 250 LDL या 250 ट्राइग्लिसराइड एक्सेप्टेबल, 250 ट्राइग्लिसराइड एक्सेप्टेबल, 250 LDL नॉट एक्सेप्टेबल. डाइट एक्सरसाइज एंड 1-2 महीने के लिए मेडिसिन. ओके, ऑल राइट. मेडिकेशन क्या चलती है, स्टैटिन्स चलती है, उसमें रिस्क होता है मसल क्रैम्प्स का लंबे समय में, और शुगर होने का रिस्क होता है लंबे समय में. लंबे समय के लिए इसलिए नहीं लेना है, 1-2 महीने लेने में कोई रिस्क नहीं है. 1-2 महीने लेके उसको बंद करने का टारगेट रखिए.
What about sunflower and corn oil? Which is the best cooking oil? Best cooking oil पे अलग से video है, but the best cooking oil is with omega-3. Omega-3 ज़्यादा हो उसमें तो best oil in that category comes mustard oil, कच्ची घानी वाला जो cold press आता है, दूसरा आता है canola oil, तीसरा आता है rice bran oil, उसके अलावा आप डाल सकते हो flax seeds. Flax seeds can be put in. हाँ जी मैडम जी, बस 5 मिनट और, 5 से 10 मिनट. आते हैं. मैडम का फोन उठाना पड़ता है. आप क्या जानो दोस्त, जिसकी शादी हुई समझते हैं. एनीवेज, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल टू टेक कोलेस्ट्रॉल, क्या गुड कोलेस्ट्रॉल टू मेक कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन फॉर ओबेसिटी एंड लो एनर्जी, पीपल डिस्कस रिगार्डिंग दिस प्लीज. सी आई जस्ट सेड कि यू नीड कोलेस्ट्रॉल, 200 टू 400 मिलीग्राम खा लो आप कोलेस्ट्रॉल भी, 1 से 2 अंडे खा लो पूरे. आप बोलते हो ना एक अंडे में अराउंड 180 ग्राम्स कोलेस्ट्रॉल है, तो 180 खा लो, 2 अंडे खा लो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट. और बल्कि 6 6 8 8 12 12 भी खा लो तो कोई दिक्कत होगी, बस शर्त है कि आप मिल्खा सिंह जैसे दौड़ रहे हो, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो बढ़िया से, समझ रहे हो. देन यू आर यूजिंग दैट टेस्टोस्टेरोन ना. टेस्टोस्टेरोन बनेगा तब जब रिक्वायरमेंट होगी. कोलेस्ट्रॉल है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता जाएगा. टेस्टोस्टेरोन का रिक्वायरमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है तो बनेगा टेस्टोस्टेरोन. रिक्वायरमेंट पैदा करो, दौड़ो, भागो, स्प्रिंट, या फिर एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वॉट एवर यू कैन डू. डॉक्टर एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एलडीएल एंड हार्ट डिजीज. एलडीएल हाई होता है, एलडीएल वीएलडीएल हाई होता है, यू हैव स्ट्रेस, यू हैव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी. वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको ऑक्सीडाइज करता है. बॉडी के अंदर किसी भी दूसरे प्रकार के स्ट्रेस, शुगर, बीपी, थायराइड, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब के वजह से छोटी छोटी इंजरीज होती हैं आपके नसों के अंदर. उन इंजरीज को हील करने के लिए अंदर कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली जाके वहाँ पे जमा होता है, एंड ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो ज़्यादा जमा होता है और वहाँ पे जाके आपका क्लॉटिंग होता है. सो ये कॉमन और नॉर्मल फिनोमिना है. इसके लिए आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम नहीं करना है. कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल मात्रा में रखिए तो रिस्क थोड़ा सा कम होगा, खत्म नहीं होगा. लो कोलेस्ट्रॉल पे भी हार्ट अटैक होते हैं भैया, लिख के ले लो, लो कोलेस्ट्रॉल, बाकी सब प्रॉब्लम, यू विल हैव हार्ट अटैक, यू विल हैव ब्लॉकेज, समझ रहे. तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करिए. एचडीएल 32, एलडीएल 80, गुड. जगमोहन जी, भंडारी जी, आप सही चल रहे हो. एचडीएल बढ़ाना है, एचडीएल बढ़ाने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करो. कोलेस्ट्रॉल, कीटो डाइट रिड्यूसेस वेट, सो गुड टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, यस इट इज, बट इट विल नॉट वर्क फॉर लाइफ, इट इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग, है ना. कीटो डाइट इज गुड फॉर कंट्रोलिंग, फिर वापस बढ़ जाएगा अगर आप वापस अपने डाइट में आ गए तो. इसलिए परमानेंट वाली चीज ढूंढो भैया, 3 महीने से तो दवा लेके भी कम हो जाएगा, फिर इतनी मेहनत कहाँ, वेट कम होगा, जरूरी होगा नहीं. कीटो डाइट से वेट कम जरूरी नहीं है, अगर आपको पता है, इतनी आसान नहीं है वो, और इतनी रिस्की भी होती है. कई बार लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं. क्या पतले लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब. कोलेस्ट्रॉल हाई होने का मतलब पतला मोटा इतना नहीं है, मोटे लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन पतले भी लोगों में हो सकता है. ऑलराइट, फिर कोलेस्ट्रॉल कीटो हो गया. कोलेस्ट्रॉल लिपिड काउंट माइनस 438. लिपिड काउंट मतलब क्या? लिपिड में ये सारे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल कौन सा है आपका 3438, नीचे लिखिए, नीचे जा रहा हूँ मैं अभी. बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल, ओमेगा 3 के लिए बेस्ट कैप्सूल होगा जिसमें EPA और DHA हो. आपको बेसिक चाहिए EPA और DHA, तो ये देखिए EPA और DHA वाला कैप्सूल, एक आता है मेगा 3 करके आता है, वो आता है. अब वो कौन सी कंपनी का ब्रांड कौन सा मुझे नहीं पता, बाकी EPA और DHA मेन होना चाहिए, ALA कम होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज. सॉरी, टेस्टिस पर क्या कोलेस्ट्रॉल का फर्क पड़ता है? पड़ सकता है, नहीं जी. कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो स्टीरॉयड कम बनेगा, स्टीरॉयड विरोड सारे अपने हार्मोन जो है टेस्टिस से बनते हैं, तो टेस्टिस कम इस्तेमाल होगी, नहीं इस्तेमाल होगी तो थोड़ी छोटी छोटी होती जाएगी. वेरी सिंपल, जिस शरीर में जिस हिस्से की नीड नहीं है शरीर इसको कम कर देता है. आप पैर में फ्रैक्चर हो जाए, 6 महीना अगर पैर फ्रैक्चर के अंदर है तो पैर पतला हो जाता है. क्यों हो जाता है? नो काम, समझे. सॉरी, क्या फेस का स्किन ड्राई एंड, ये एडवाइस नहीं. कोलेस्ट्रॉल पे सवाल सिर्फ फोरहेड पे. अच्छा, ट्राइग्लिसराइड 360, एलडीएल 225, एचडीएल 40 एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, एचडीएल 40 से बढ़ाइए. ये सारे आपको कतई खतरनाक डाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर आप डाइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो दवाई खानी शुरू करिए. और आपका उम्र नहीं पता, रिस्क फैक्टर नहीं पता, तो इतने 225 200 के ऊपर 1-2 महीने की दवा तो खानी चाहिए. और नहीं तो जोर लगा के हैया डाइट एक्सरसाइज करिए और 1-2 महीने में रिपीट करिए, ठीक है. शेर पतन पे वीडियो है भाई साहब हमारे, जाके देख लीजिए.
ओके इन माय एओटोग्राम रिपोर्ट लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरीज आर क्लियर नो ब्लॉकेज बट रिपोर्टेड माय कैपिलरीज इन द हार्ट हैविंग 20% ब्लॉकेज एक्सरसाइज करो डाइट करो आई वांट टू नो माय प्रॉब्लम ये सब में होता है चंद्रशेखर जी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ब्लॉकेज सब में बनेंगे आप में भी मुझ में भी एक इंसान में हर एक इंसान में उम्र के साथ साथ ब्लॉकेज बनते हैं स्वाभाविक है ब्लॉकेज बनने से इंसान नहीं मरता गंदी लाइफस्टाइल होती है तो ब्लॉकेज बढ़ता जाता है ब्लॉकेज बनता है बाईपास होता है ब्लॉकेज बनता है बाईपास होता है ये शरीर का सिस्टम है नेचुरल बाईपास बनते हैं इसके लिए हमारा नेचुरल बाईपास वाला वीडियो देखिए आपको समझेगा क्या है ये अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं बट ये बात याद रखिए अगर हमने 50 60 70 80 साल के किसी भी बंदे को ले लिया और उसका एंजियोग्राफी किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके हार्ट में पूरे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ज़रूर होंगे अच्छे ब्लॉकेज होंगे अच्छे मतलब 60% 30% 20% 10% कुछ तो होगा ही कोलेस्ट्रॉल एक 193 है अच्छा है निखिल जी नथिंग टू वरी कॉड लिवर ऑयल फॉर कोलेस्ट्रॉल कॉड लिवर ऑयल इज नॉट द बेस्ट ऑयल एक्चुअली फिश कैप्सूल्स में सबसे ज़्यादा EPA और DHA नहीं होता है लेकिन चल जाएगा राइट इसलिए बेस्ट की बात करें तो फिर वो EPA और DHA हुआ फिश ऑयल आर ओके फिश खाना इज ओके इज गुड ओके पाजी वन लिवर ग्रेड वन लिवर प्रॉब्लम लिवर का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है वो जाके देखिए कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल विद ओमेगा 4 देन हाउ शुड आई ईट एन एग टाइम एंड हाउ मच डेली मैंने बताया दो अंडे खा सकते हो दिन में एक खा लो कोई दिक्कत ही नहीं है दो खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी एक्टिविटी रखो बस वेज टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्लीज आई हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिस्कशन करेंगे फिलहाल अभी टेस्टोस्टेरोन पे डिटेल वीडियो है वो जाके देखिए टोटल लिपिड यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल 438 ज़्यादा है डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए और विजय सिंह जी भंडारी जी डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए और हर 3 महीने में कराइए कम नहीं हो रहा तो दवा खाइए ट्राइग्लिसराइड ये ऑलरेडी हमने AVG को बता दिया है फिस्चुला का प्रॉब्लम फिस्चुला के लिए वीडियो आएगा ऑलराइट क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टैटिंस इन कोलेस्ट्रॉल स्टैटिंस आर वंडरफुल मेडिसिंस बट दे हैव साइड इफेक्ट्स एनी मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स इसलिए जब स्टैटिन पे हो पहली बात जरूरत है तो लो नहीं जरूरत है मत लो तीसरी बात जब जरूरत खत्म होगी बंद करो इसलिए रेगुलर चेक करो ओके स्टैटिन से मसल एक्स हो सकते हैं स्टैटिन से लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है डायबिटीज हो रहा है सो लॉन्ग टर्म स्टैटिन लेने का कोशिश कम रखें मगर हार्ट प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज हार्ट अटैक आ चुका है तो लेना पड़ेगा डायबिटीज एक बार हो चुका है फिर ले लो फिर क्या कर लेगी स्टैटिन ऐसा है ठीक है सर यू सेड दैट ब्लेंडेड ऑयल्स ऑफ राइस ब्रान एंड सैफ्रन विल रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल सो माय क्वेश्चन इज कैन दे बी मिक्स्ड एट होम और ओनली बाय सम नहीं नहीं इट कैन बी मिक्स्ड एट होम बिल्कुल इट कैन बी मिक्स्ड एट होम राइट इवन यू कैन मिक्स अ लिटिल फ्लेक्सीड ऑयल क्योंकि फ्लेक्सीड में ओमेगा 3 हो तो फ्लेक्सीड ऑयल मिला लो अपने तेल में और खाओ बिंदास बेस्ट पेट क्वेश्चन अरे हाँ पेट क्वेश्चन रह गए सॉरी जनाब पेट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम पेट क्वेश्चन कैसे छोड़ देंगे आई हैव DHT ANK आई हैव डी एच टी इट इज़ गुड और बैड फॉर द बॉडी ड्यू टू DHT कैन आई कैन सी फैंटास्टिक रिजल्ट यस इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी DHT dihydrogen आप DHT का सप्लीमेंट ले रहे हो यस उसका वो अच्छा है EPA और DHT दोनों अच्छा है तो दोनों लीजिए कोई दिक्कत नहीं ओके कहाँ गया बैड कोलेस्ट्रॉल क्या खाने से बढ़ता है फ्राइड फूड तला हुआ खाना ज्यादा तेज आँच में पका हुआ खाना बर्गर और जितने भी मेयोनीज वाली चीजें ये सब खाने से बढ़ता है और एक्सरसाइज नहीं करने से सबसे बड़ी चीज एक्सरसाइज नहीं करने से बढ़ता है अगर आप ये खाते हो और दौड़ते हो बहुत जोरदार तो चल जाएगा समझ रहे हो तो पॉइंट इज एक्सरसाइज बाकी सारे लोगों जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल या इनका लेवल बताया जैसे मनप्रीत सिंह 238 टोटल LDL 149 TSH 6.3 फीलिंग ऑल सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरायडिज्म स्टार्ट टेकिंग मोर आयोडीन इन डाइट हाइपोथायरायडिज्म के लिए थायराइड की मेडिसिन 12.5 सबसे छोटी से शुरू कर सकते हो ज़्यादा अगर ले रहे हो तो थोड़ी सी बढ़ा लो LDL और कोलेस्ट्रॉल के लिए डाइट एक्सरसाइज काफ़ी है आपके लिए ऑल राइट ओके ब्लॉकेजेस 40 एंड 50 है तो कोई प्रॉब्लम यस द प्रॉब्लम इज कि आपको डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा 2-3 साल में एक बार ब्लॉकेजेस रीचेक करनी पड़ेगी नहीं करोगे तो रिस्क है ओके और दवाइयां खानी पड़ेगी आई हैव सोरियासिस बीपी हाई बीपी इज आल्सो ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल नो हाई बीपी इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल बट हाई बीपी हाई कोलेस्ट्रॉल दोनों एक साथ हार्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं दोनों एक दूसरे से साथ में नहीं हाई बीपी से हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता हाई कोलेस्ट्रॉल से हाई बीपी नहीं होता ओके गुड फूड फॉर कोलेस्ट्रॉल
वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, सारे होल ग्रेन्स आर गुड. वेजिटेबल्स इज द बेस्ट फूड फॉर कोलेस्ट्रॉल. वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट. एलडीएल हेरिडिटरी भी होता है, बिल्कुल. एलडीएल, या देखिए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो एलडीएल भी बढ़ेगा ना यार. जब आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उसके टूटने वाले प्रोडक्ट्स भी ज्यादा ही होंगे. बट ऑफकोर्स कैसी बात है कि नहीं. सॉरी, एलडीएल 67 इज बेस्ट, बेस्ट है, बेस्ट. 67 पे कतई दवा ले रहे हो तो बंद कर दो. वॉकिंग अच्छा है नेचुरल बाईपास के लिए, बिल्कुल. वॉकिंग, जॉगिंग, ऑब्वियसली देखिए, जॉगिंग इज बेटर देन वॉकिंग, ऑब्वियस सी बात है. बट कुछ नहीं तो वॉकिंग तो करो बाईपास के, नेचुरल बाईपास के लिए. पाल्पिटेशंस होते हैं, इको ईसीडी टीएमटी ठीक है, इसके लिए पाल्पिटेशन वाला वीडियो देखिए. गॉलस्टोन अगर कोलेस्ट्रॉल का हो तो डाइट क्या रखनी चाहिए. अगेन आपको हाई फाइबर डाइट चाहिए, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट चाहिए, ताकि अंदर कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल हो गॉल ब्लैडर का के अंदर स्टोन से. तो वो उस पर भी अलग से वीडियो है मेरा, गॉल स्टोन बाय डॉक्टर एजुकेशन. बहुत सारे वीडियो, सारे देखिए, मजा आ जाएगा. कोलेस्ट्रॉल, सर मेरा बड़ा हुआ, मोटा हूँ. मोटापा कम करो, मोटापा कम करो, रोटी बंद करो, रोटी कम करो, एक रोटी खाओ, सब्जी दबा के खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मोटापे वाले वीडियो देखो, एक्सरसाइज करो 10 मिनट, भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ा करो. नहीं तैयार हो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तो कुछ नहीं हो सकता आपका. भैया आप अपनी मदद नहीं करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे बताओ, है कि नहीं. सॉरी, डज एक्सेस एक्सरसाइज डिक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल. नो, एक्सेस एक्सरसाइज इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल. लिख के ले लो स्टैंप लगा के. बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए अभी तो बताया ऊपर. स्टैटिंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या डिफरेंस. बहुत डिफरेंस है, स्टैटिन मेडिसिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए रिक्वायरमेंट है डेली, वो अच्छी चीजें हैं. स्टैटिंस रिक्वायरमेंट पे लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं. जब जिलानी शाह जी आपका वैल्यूज ठीक है, डाइट एक्सरसाइज करिए. All right, then cholesterol on keto. Keto is not recommended. 280 cholesterol पाजी करिए. 280 cholesterol just exercise and little bit of diet. Exercise करनी शुरू करो, दौड़ दौड़ दौड़ना शुरू करो. थोड़ा सा भी दौड़ोगे ठीक हो जाएगा. 200 है triglyceride, थोड़ा सा दौड़ो ठीक हो जाएगा. बड़ा हुआ वेट है, ओके कोई बात नहीं. मेरा cholesterol 128, हार्ट ब्लॉकेज होगा क्या, ये कोई गारंटी नहीं है. जैसे कहा cholesterol कम करने से रिस्क कम होता है, कोई वो नहीं है, क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज और कारण से होता है. स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर नाउअडेज. ऑलराइट, जी हाँ, आप मनप्रीत सिंह जी ले लीजिए थायराइड की मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, कोलेस्ट्रॉल, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, कम होगा, थोड़ा और एफर्ट लगाओ. हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू गाइस. चलो सवाल खत्म, 32 मिनट हो गए हैं आज का, जल्दी खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी आंसर्स. आज वाइफी ने बुलाया है तो जल्दी जाना पड़ेगा. चलो बुलाया है, ओके बाय. हमारा डॉगी भी पागल हो रहा है. सो कल का लिए वीडियो वो डाल देंगे हम, टॉपिक्स, उसमें जाके वोट करिए ताकि आपको पता चले कौन सा हो रहा है. हमेशा याद रखिए, जो लोग नए हैं, हमें एक टॉपिक्स के आपके जो आप रिक्वेस्ट करते हैं उन टॉपिक्स का एक पोल डालते हैं, वो पोल का वोट करते हैं, तो वोट पे हम चूज करते हैं. आयुष जी ने पेट सवाल पूछा, डायबिटिक स्टेंट लगा है, हार्ट बीट तेज हो जाती है. हार्ट बीट तेज मत होने दीजिए, डायबिटिक स्टेंट लगा, हार्ट बीट तेज, खतरनाक कॉम्बिनेशन है. हार्ट बीट कम रखने के लिए मेडिकेशन खाइए, डाइट एक्सरसाइज करिए, डैश डाइट फॉलो करिए, डायबिटीज के लिए शुगर कम करिए, शुगर इनटेक यानी रोटियां कम खाइए, चावल कम खाइए, राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाल्पिटेशन वाला वीडियो देखो और थायराइड टेस्ट करो, B12 टेस्ट करो, इंपॉर्टेंट है. हार्ट बीट कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर से लेके इवाब्रेडिन तक कई दवाइयां आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आपके डॉक्टर आपको देंगे. ठीक.